सर्दी का मौसम आते ही लोगों का जी चाहता है कि खुश्क मेवाजात का मज़ा लिया जाए, मगर क्या किया जाए महंगाई के तूफान का जिसमें ड्राई फ्रूट्स आम लोगों की पहुंच में नहीं आते हैं। जिशान खास खेली की रिपोर्ट। मौसम सरमा की आमद के साथ खुश्क मेवाजात की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जबकि बुलंद तरीन सतह पर मेवाजात की कीमतों के बायस ये आम अफराद की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। कौन लेगा, बस जो पहुंच वाले होंगे वही ले सकते हैं। दो तीन महीने पहले आए थे तो यही बादाम का रेट था तकरीबन 600 रुपए किलो, आज हम आए तो 800 रुपए किलो हो गया है। तो इस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि कोई गरीब इस दुकान पे चढ़ सकता है। खुश्क मेवाजात को इस्तेमाल करने वाले अफराद का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र दो वक्त की रोटी का उसूल इंतहाई मुश्किल है, इसलिए मेवाजात खरीदना महज एक ख्वाब बनकर रह गया है। और इधर जो गरीब तबका है वो तो लेने से कासर है, वो सिर्फ इसको सूंघ के चला जाता है कि कैसी मिठाई है, कैसा ये है चिलगोजा, कैसा बादाम है। दूसरी जानिब खुश्क मेवाजात को फरोख करने वाले दुकानदारों का कहना है कि डॉलर की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी के बायस मेवाजात की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। दुकानदारों का हाथ में नहीं है, ये ऊपर से बढ़ता है, हमारे को रेट मिल जाता है तो फिर हमारे को ये रेट देना पड़ता है ना, क्या करें। खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल अब सिर्फ साहिब सरवत अफराद ही कर सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई और बदतरीन मुआशी हालात के बायस इन मेवाजात को खरीदना आम अफराद के लिए नामुमकिन हो चुका है। कैमरामैन अली नवाज भट्टी के साथ जिशान अली खास के लिए एआरवाई न्यूज़ टंडो मोहम्मद खान।